हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू व्लॉग। अभी रात के 12 बज रहे हैं और आपने इसके पहले वाला व्लॉग देखा होगा तो आपको उसमें पता चला होगा कि ये व्लॉग मैं रात को 12 बजे क्यों शुरू कर रहा हूँ। द रीज़न इज़ मुझे बहुत सारा काम है जो आज ख़त्म ही करना होगा क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। मैं इतने दिनों से भी थोड़ा थोड़ा काम कर रहा था ताकि मुझे ट्रिप में ज़्यादा काम ना करना पड़े, लेकिन अभी वो टाइम है जब मुझे ये काम फिनिश करना है। तो सबसे पहला काम जो कल का व्लॉग है, अभी तक जो पोस्ट नहीं हुआ है उसे पोस्ट करना है। एडिट भी थोड़ा सा बचा है, वो एडिट करते हैं, पोस्ट करते हैं और फिर आपसे बाद में बात करते हैं। अभी टाइम 12:33 हो रहा है। हाँ, और लकीली ये व्लॉग जो था लास्ट वाला वो बहुत जल्दी एडिट हो गया। अब उसे मैं रेंडर कर रहा हूँ, उसके बाद मैं उसे यूट्यूब पे अपलोड करूँगा। तब तक मैं यूट्यूब पे शॉर्ट्स अपलोड कर लेता हूँ, लाइक शेड्यूल कर देता हूँ। तो मेरा पर्सपेक्टिव यह है कि यूट्यूब पे रोज़ तो वीडियो जानी चाहिए। अब अगर वहाँ पे मुझे नेटवर्क ना मिले और मैं ब्लॉग अपलोड ना कर पाऊँ तो उस टाइम के लिए मैं शॉर्ट्स शेड्यूल कर देता हूँ कि वो अपलोड होते रहे। भले ही मैं अगर ब्लॉग अपलोड कर सकता हूँ तो वो कर दूँ। तो ये मेरा उसके पीछे रीज़न है। अभी सारे वीडियोज़ तो ऑलमोस्ट रेडी है शॉर्ट्स के, तो उन्हें शेड्यूल करते हैं, उसके बाद में फिर से आपसे बात करते हैं। एक प्रॉब्लम आ गई, मैं यूट्यूब पे शॉर्ट्स अपलोड कर रहा था, अपलोड भी कर लिया था, शेड्यूल कर लिया था, लेकिन मुझे लगा जैसे इंस्टाग्राम पे हम लोग म्यूज़िक ऐड करते हैं वैसे इसमें भी हो जाएगा, पर इसमें मुझे ऑप्शन दिख नहीं रहा है और वो मुझे जाना पड़ रहा है स्टूडियो में, फिर एडिटर की मदद से म्यूज़िक डालना पड़ रहा है। वो पता नहीं कितना स्लो चल रहा है, मतलब बहुत ही स्लो, मुझे सुबह हो जाएगी लिटरली इतना करते करते। तो अभी मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि फ़ोन में ही जैसे मैंने एडिट किया था उसमें ही मैं बस म्यूज़िक डाल के रेंडर कर करके फिर भेजूँ और फिर अपलोड करूँ। डबल काम हो रहा है यार, ये फटाफट लगा था मुझे ये। कोई बात नहीं, इसी को मेहनत कहते हैं तो करते हैं। तो अभी टाइम 1:26 हुआ है, सिर्फ एक ही रील शेड्यूल हुआ है अभी तक, क्योंकि मुझे सारे रील्स फिर से एडिट करना पड़ रहा है, फिर से अपलोड करना पड़ रहा है। प्यास लगी है, चलो अब थोड़ा स्पीड में काम करते हैं। गोल रखते हैं 2 बजे से पहले 10 कंटेंट शेड्यूल कर देंगे। लेट स्टार्ट। तो अभी 2:21 हो रहा है और सारे वीडियोस ऑलमोस्ट शेड्यूल हो गए। 29 मार्च तक रोज़ वीडियो जाएगा, तो वो टेंशन ख़त्म। अभी सिर्फ बचे व्लॉग्स जो कि मैं वहाँ पे जाके एडिट करूँगा, पोस्ट करूँगा। अब अगर मैं व्लॉग पोस्ट नहीं भी करता तो भी एक वीडियो तो भी कम से कम जाएगा, इंस्टाग्राम के लिए भी जाएगा, यूट्यूब के लिए भी जाएगा। अभी नेक्स्ट थिंग जो बची है वो है विनय सर के वीडियोज़, अपर बॉडी के जो वीडियोज़ हैं उनके बचे थे, तो अभी वो एडिट करते। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि ये इस टाइम पे उनके वीडियोस क्यों इतना प्रायोरिटाइज़ कर रहा है। तो ही हैज़ हायर्ड मी एज एन वीडियो एडिटर, तो उनके लिए मैं वीडियोस एडिट करता हूँ। मुझे ट्रिप में जाके एक काम नहीं करना है, तो मैं कम से कम काम अपने साथ लेके जा रहा हूँ, तो ट्राई करूँगा जितना काम हो सकता है आज भी नहीं सका ख़त्म करूँ। तो अभी वो करते हैं, भूख भी लगी है, खाना बाद में खाएंगे, खाना खाएंगे तो नींद आ जाएगी, तो पहले वो करते उसके बाद खाना खाएंगे। सो नाउ द टाइम इज़ 3:27, 3:30 बज गए, काम अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। आई गेस कि अब तो मैं थक गया हूँ, नींद तो आ रही है, खाना भी खाना है मुझे अभी, क्योंकि पहले खाना खाता हूँ। चलो यार खाना खाते हैं। तो आज डिनर में चिकन था, पनीर था, अंडा था, फुल प्रोटीन बाजी। तो अभी मैं खा रहा हूँ एग, पनीर, रोटी एंड थोड़ा सा चावल। रात के 3:30 बजे खाना खा रहा हूँ, पूरा बैंड बज चुकी डाइट की भाई। चलो खाना खाता हूँ, अभी मैं सो जाऊँगा आई गेस। तो कल सुबह सीधा व्लॉग शुरू करते फिर से।
गुड नाइट गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले जस्ट मैं उठा हूँ। सबसे पहले आज अभी सलून जाके आते हैं, थोड़ा हेयर वॉश वगैरह करना है, उसके बाद में क्या करते हैं फिर बताते हैं। तो मैं जा रहा हूँ स्पिति वैली। वो बेसिकली हिमाचल प्रदेश में है, इंडिया एंड तिब्बत के बॉर्डर पे आता है। पर ये सब शुरू अभी नहीं हुआ, ये सब शुरू हुआ था अब से ऑलमोस्ट 1 महीने पहले। जब मुझसे पहली बार पूछा गया स्पीति चलेगा, मैंने सीधा बोला था नहीं। फिर मेरे दोस्तों ने मुझे इतना कन्विंस किया और इतने सारे ऑप्शन दिए, मतलब मैं जो जो प्रॉब्लम्स बता रहा था, जो जो बहाने बता रहा था, वो सब उन्होंने बोला कि ये भी हम कर देंगे, वो भी हम कर देंगे, सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए। तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था जाने के अलावा। तो फिर वैसे हुई हमारी ट्रिप प्लान स्पीति की। तो अभी हम बस निकलने वाले, तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट ब्लॉग से शुरू होगा ट्रिप डे 1। फाइनली वी आर गोइंग टू स्पीति वैली। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन पैकिंग अभी भी पता नहीं कितनी हुई है, क्या है गुड्स पता नहीं। तो चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी जाना है नागपुर, नागपुर से ट्रेन है दिल्ली के लिए, तो वो पकड़नी है। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। हरे कृष्णा। दिस इज वन ऑफ दी फेवरेट फ्रेम आई हैव। शी इज बेसिकली माई पेट, जो मैंने अडॉप्ट की थी। पर मैं चंद्रपुर में रहता नहीं हूँ, तो अनफॉर्चुनेटली मुझे उसे रिलेटिव्स को देना पड़ा। बट आई लव हर सो मच, मुझे इतनी याद आती है उसकी। अगर मैं एक जगह पे टिक गया तो 100% मैं एक पेट रखने वाला हूँ।